फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। जीएसटी को लेकर गांधीनगर मार्केट के दुकानदारों ने भारत सरकार के खिलाफ मार्केट में किया प्रदर्शन। आप देख सकते हैं वीरवार की दोपहर एशिया की सबसे बड़ी होलसेल रेडीमेड गांधीनगर मार्केट के दुकानदारों ने रामनगर मार्केट के अंदर प्रदर्शन किया भारत सरकार के खिलाफ। जहां रामनगर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय जैन का कहना है कि पहले ही 5% जीएसटी लग रहा है रेडीमेड पर, जो कि उससे भी नुकसान होता है, काम भी नहीं है और फिर भी हमें 5% जीएसटी देना पड़ता है। और अब भारत सरकार इसको 2022 जनवरी से 12% कर रही है। उनका कहना यह भी है कि सरकार कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, मगर इसको हम होने नहीं देंगे। अगर हमें धरना ज़्यादा लंबा करना पड़े तो ज़्यादा धरना करेंगे और हो सके तो हम बाजार भी बंद करेंगे। क्या कह रहे हैं, सुने आप दुकानदारों की बाइट। नाम आशीष गुप्ता है। ये तो जीएसटी काउंसिल ने 5% का 12% कर दिया है, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम धरने भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, बाजार बंद भी करेंगे। सर अपना नाम बताइए। मैं एस श्री किशन गोयल, प्रेसिडेंट रामनगर मार्केट से। गोयल साहब, कहाँ कहाँ इस बात को रखा है आप लोगों ने? हमने हर जगह सीतारमन जी को भेजा है, प्राइम मिनिस्टर जी को भेजा, हर जगह लेटर भेजा है, मेल से भी भेजा, लेटर भी भेजा, पीयूष गोयल को भेजा। हाँ, क्या कुछ आश्वासन मिल पाया? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है जी। अच्छा, तो आगे की क्या रणनीति है सर, जिस तरीके से आप तो 2022 आने वाला है? आगे हम इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। अभी हमारा शांतिपूर्वक मार्च चल रहा है। अगर इस हिसाब से अगर सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानेगी तो आगे हम इसे एक बड़े आंदोलन के रूप में लेके जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें किसान आंदोलन की बराबरी क्यों ना करनी पड़े। तो सर किस तरीके का नुकसान है, जिस तरीके से आगे लोग 5% से इतना दुखी हैं, अब जब 12% हो जाएगा तब तक काम धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। कोरोना वैसे ही मरा पड़ा है कोरोना ने, और आगे ओमिक्रॉन आ रहा है, तो हम हमारी आदमी बहुत दुखी है इस बात से। वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग मर जाएंगे और उन्हें आज तक बाहर निकल के नहीं देखा कि कानून क्या होता है। ये बहुत बड़ी सजा है। एक गरीब आदमी जो मीडियम बन के चल रहा था, धागे वाला या उसके वाला कपड़े वाला, देखो बहुत परेशानी है। ये गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो लोग क्या करेंगे, नाचेंगे और सब लेट जाएंगे जमीनों पर। ये काला कानून जो गवर्नमेंट ने बनाया है, ये छोटे व्यापारियों को मारने के लिए बनाया है और ये छोटे व्यापार पूरे देश के अंदर खत्म करना चाहते हैं। कुछ चुनिंदा लोग व्यापारियों को व्यापार पूरे देश पे करना चाहते हैं। ये पूरे देश के अंदर छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहते हैं, कुछ ही चंद व्यापारियों के हाथ में पूरा देश देना चाहते हैं। ऐसा हम सारे व्यापारी मिलकर नहीं होने देंगे। सबसे बड़ा एशिया का मार्केट है। हाँ। जब आप लोग कोई परेशानी है तो आने वाले आग जगह में क्या दिक्कत हो रहा होगा? देखो हमारा एशिया का सबसे बड़ा मार्केट गांधीनगर मार्केट में, रामनगर मार्केट, सारी मार्केट में मिलकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रही है। और अगर गवर्नमेंट ने हमारी सहायता नहीं की और हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन के रूप में अग्रसर होंगे।